जय हिंद अल्फा स्क्वाड। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी हब पर। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे सीरीज़। तो सीरीज़ में हम दो सीरीज़ कवर कर चुके हैं, एपी और जीपी। आज हम तीसरी सीरीज़ को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो क्या होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन? चलो बच्चों पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को, देखते हैं। आप लोगों ने एपी पढ़ी थी, तो एपी क्या था? एपी में कॉमन डिफरेंस चल रहा था, सर्वांतर इसे बोलते हैं हिंदी में। तो डी जो था इसमें क्या होगा, जो आपकी एपी होती है, अगर एपी को हम उल्टा कर कर लिख दें, जैसे मान लो चल रहा था हमारे पास A1, A2, A3 डैश डैश डैश, जो आपके एन टर्म होंगे ये आपके मान लो एपी में है, ठीक है। तो इन्हें एचपी कैसे बनाएंगे? इसी का इन्वर्ट यानी एक एक करके उल्टा कर दो सबको, 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश 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 1/AN, RN। अब ये हो जाएंगे आपके जीपी में, सॉरी जीपी का नाम आ गया एचपी में, एचपी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हो जाएंगे एचपी में कन्वर्ट। यानी एपी के टर्म्स को आप उल्टा करके लिखेंगे तो जो सीरीज आपको मिलेगी वो आपकी क्या होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी, यानी एचपी होगी। तो आगे देखिए इसका, देखो सोल्यूशन क्या होगा भाई, पुरानी बात है, टीएन निकालना होगा, ठीक है। तो टीएन क्या होगा? एपी का टीएन क्या होता था? अगर ऊपर वाले की बात करें हम, एपी का टीएन क्या होता था? A+N-1 × D, यही तो होता था एपी का टीएन। तो इसका एचपी का टीएन क्या हो जाएगा? उल्टा ही तो किया हमने से, तो क्या हो जाएगा? 1/A+N-1 × D, यही तो हो जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं चल रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको, जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको एचपी दे रखी होगी, आपको क्या करना है उसे एपी बना लेना है। एपी बना लेंगे फिर उसे आप सॉल्व कर लेंगे कि ग्रुप में, जो भी आंसर आएगा फिर उसे 1/ कर देंगे, आपको मिल जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान लो एक सीरीज थी आपके पास, कह रहा था 1/2, 1/4, 1/6 डैश डैश डैश, बोला आपसे आर एन एचपी, इसमें एचपी में है। तो आपसे इसने कहा इसका टी कौन सा टर्म बताना है, टी सिक्स टर्म मान लेते हैं, चलो टी सिक्स आपको फाइंड करना है क्या होगा। एन टर्म तो आप जानते हैं, तो क्या आपको क्या करना है, एपी में कन्वर्ट कर लेंगे से, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2, 4, 6 आर एन हो गए आपके एपी में। अब एपी का सिक्स टर्म तो आप निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से ए बराबर कितना है 2, और बी बी तो चाहिए, डी कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 हो गया, और कहीं आपको एन चाहिए, एन बराबर कितना है 6 टर्म फाइंड करना है, तो एन बराबर हो गया 6, तो आप निकाल लेंगे टी सिक्स इक्वल टू ए प्लस 6-1 × D। तो ए कितना है यहाँ पर 2, 6-1 कितना हो गया 5, और डी कितना है 2, तो कितना हो गया 5 × 2 = 10, और 2 कितना हो गया 12, यानी टी सिक्स आया 12। तो ये एपी का 12 आया ना, तो एचपी का क्या हो जाएगा, एचपी का टी सिक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/12। यानी एचपी वाले क्वेश्चन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एपी में कन्वर्ट करना है, फिर उसके वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है, फिर उसे एचपी बना देना 1/ करके। चलो आगे से रफ करके और बताते हैं आपको फिर। तो बच्चों आगे बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, ठीक है। क्या होता है हार्मोनिक मीन? तो देखिए आपके पास तीन नंबर होंगे भाई, पुराने वाले ए एच और बी, किसमें आर एन एच पी में, यानी ये तीन नंबर किसमें एच पी में। तो इसका जो हार्मोनिक मीन होगा एच इक्वल टू वो होने वाला है आपका 2AB/A+B। देखिए निकाला कैसे, अभी आप लोगों को इसका मैं फाइंड करके बता सकता हूँ। आप जानते हैं कि इसमें किसमें एच पी में, तो इसका क्या हो जाएगा 1/A, 1/H, 1/B किस में हो जाएंगे, आर एन ए पी में हो जाएंगे। अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि हरात्मक का उल्टा क्या कर दो, नंबर को बदल दोगे तो एचपी मिल एपी मिल जाएगी, और एपी को उल्टा कर दोगे तो आपको एचपी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें एपी में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, एपी का मीन तो पढ़ा था ना आपने, क्या होता है एम, एम बराबर था आपका इन दो वाले लास्ट टर्म का, यानी कि बीच वाला जो टर्म होता है, आपने एक रिलेशन पढ़ा था वहाँ पे, इसमें कि जो बीच वाला टर्म होगा आपका 1/H इधर उधर वाले के समीशन का हाफ के बराबर होता है। तो ये रिलेशन लगा देंगे इसमें, यहाँ पर आप अब इसे सॉल्व करेंगे 1/H = LCM लेंगे, कितना हो जाएगा इधर B हो जाएगा B+A/2 पर चला जाएगा, तो 2AB मिल जाएगा आपको, पलट के लिख देंगे इसे एक बार, तो H = हो जाएगा 2AB/A+B। फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ आपका, ठीक है। और एक कंडीशन देखिए, तो हमारे पास भाई बात है कि दो नंबर थे हमारे पास A और B, इसके बीच में N हार्मोनिक मीन है, यानी कि A1, H1, H2, H3 डेड 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 जा रहा है आपका HN, और लास्ट में भी यानी ए बी के बीच हमारे पास H हार्मोनिक मीन थे, यानी हरात्मक माध्य थे A और B के बीच में। तो हमें इसका जो फॉर्मूला ड्राइव करना है HM का, यानी कि हार्मोनिक मीन का, तो वो क्या होगा देखिए,
करते हैं ड्राइव, पहले तो इसका हम डी फाइंड करेंगे। तो डी के लिए जो फॉर्मूला आता है आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हैं इसे, ये होगा आपका ए माइनस बी अपॉन वन प्लस एन इंटू ए बी। ठीक है, इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला, अगर हम डायरेक्ट हार्मोनिक मीन की बात करें यानी एच एन पूछा जाए आपसे, कि किसी भी टर्म का पूछा जाए आपसे एच एन, तो क्या बताएंगे आप वहाँ पर? तो वो फॉर्मूला होने वाला है आपके पास वन प्लस एन ए बी अपॉन ए एन प्लस बी। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, तो एक आइए इसे रफ कर एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कह रहा है इफ एक्स प्लस वाई कॉमा टू वाई एंड वाई प्लस जेड आर एन एच पी, ये कह रहा है आपसे एच पी में। तो आपको एक ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन यानी विच ऑफ फॉलोइंग्स इज करेक्ट है। तो कौन सा वाला करेक्ट है तो मैं आपको बता लिख देता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर एन ए पी, ऐसे ही अगला मिलेगा सेकंड ऑप्शन जो होगा, सेम कंडीशन रहेगी एक्स वाई जेड आर एन एच पी। फोर्थ ऑप्शन जो होने वाला है, थर्ड ऑप्शन जो होने वाला है वो भी सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें कह रहा है आर एन जी पी। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव नोटा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो आपसे बोला कि ये एच पी में है, तो एच पी में आप जानते हैं कि इधर बीच वाला जो आपका टर्म होगा, आपने भी पढ़ा था हार्मोनिक मीन क्या होता है, एच बराबर टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई आपके पास दो टर्म तीन टर्म्स हैं ए बी और सी, एक इसमें आपके एच पी में, तो बी इक्वल टू हो जाएगा टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, ये कंडीशन भी आप लोग जिस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, तो इस फॉर्मूले उठाकर पुट कर दीजिए, बी कितना आपका टू बाई इक्वल टू टू, ए कितना है एक्स प्लस वाई और सी कितना है वाई प्लस जेड, अगला ए प्लस सी, ए कितना है आपका एक्स प्लस वाई और ये आपका वाई प्लस जेड। तो देखिए टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको आप जब पूरा टर्म करेंगे तो देखो एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पर वाई चला दो इनटू में, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे आप, तो चलो अभी एक बार लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो कराइए मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बाई एक्स प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस बाई जेड, इनकी मल्टीप्लाई कराइए तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स, और क्या मिलने वाला है आपको जेड एक्स हो गया बाई स्क्वायर प्लस बाई जेड। अब देखिए बाई एक्स और बाई एक्स से बाई एक्स कैंसिल हो गया आपका, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल हो गया, अब ये बाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास बचा बाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, यानी कि आपके पास टर्म थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ऐसी कंडीशन आपने देखा कब बनती है, कौन सी श्रेणी बनती है, जीपी में, जब अगर एक्स वाई जेड आपके जीपी में होंगे तो क्या होगा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स जेड, यही तो होता तो ये स्क्वायर से चला जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट, यानी जो एक्स वाई जेड होंगे वो किस में होंगे जी पर जी पी में। तो आइए से रफ करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं आज। तो बच्चों क्वेश्चन है अगला आपके पास, क्वेश्चन ये है कि ये कह रहा है आपसे कि इफ वन अपॉन एक्स वन अपॉन फोर वन अपॉन एक्स एंड क्या हो गया वन अपॉन टेन आर एन एच पी, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो फटाफट शुरू हो जाइए, क्या है फाइंड एक्स की वैल्यू, ऑप्शन में लिख देता हूँ आपके लिए, ऑप्शन है फाइव सिक्स सेवन एट, तो ए ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास फाइव, बी ऑप्शन है सिक्स, सी ऑप्शन है आपके पास सेवन और डी ऑप्शन है एट। ये क्वेश्चन एनडी में पूछा गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं, कह रहे हैं जीपी में और एच पी में, तो एच पी कंडीशन हमने पढ़ी थी, क्या होता है कि बी इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी, तो आपका ए हो गया बी हो गया सी हो गया, पुट कर दो जिसकी जगह, यहाँ पर कितना आ जाएगा वन अपॉन एक्स टू ए सी यानी टू, ए कितना आपके पास वन अपॉन फोर और सी है वन अपॉन टेन, वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टेन, सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए काटेंगे टू बचेगा वन अपॉन ट्वेंटी हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी, एक मिनट थोड़ा सा जगह कम बची, तो एलसीएम लेंगे आएगा 20, इधर कितना हो जाएगा आपके पास 5 और इधर कितना हो जाएगा प्लस का 2, देखिए 20 से 20 कैंसिल, बचा आपके पास 1 अपॉन 7 यानी 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया
सेवन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। रफ करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैं कुछ प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ आपके एचपी की, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर, रफ करने के बाद। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ करा रहा हूँ मैं आपको एचपी की। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी वही है जो आपकी जीपी की थी, कि एचपी का कोई भी टर्म कभी भी जीरो नहीं हो, क्योंकि आप जानते क्या होता है, वन अपॉन में चलती है, और वन अपॉन में कोई भी टर्म अगर जीरो हो गया तो जीरो अपॉन यानी नंबर अपॉन जीरो आप जानते क्या होता है, इन्फिनिट हो जाता है, इन्फिनिट हो जाता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा या अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आप लोग लिख सकते हैं अपने हिसाब से कि एचपी का कोई भी टर्म कभी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड प्रॉपर्टी चलती है हमारे पास, तो हमें ये कह रहा है कि ए और बी के बीच में एच आपका हार्मोनिक मीन है, ए और बी के बीच में एच हार्मोनिक मीन है। तो कुछ प्रॉपर्टी चलेंगी यहाँ पर, देखिए पहली होने वाली है वन अपॉन एच माइनस ए प्लस वन अपॉन एच माइनस बी इक्वल टू होगा आपका वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। सेकंड प्रॉपर्टी जो आपकी चलेगी, इंसान आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, ये आपको दे देगा, तो इन में से आपसे पूछ लेगा कौन सा वाला विच इज फॉलोइंग इन करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं उनमें पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला वाला जो चलेगा आपका यहाँ पर चलेगा एच माइनस टू ए, अगली है एच माइनस टू बी, तो इक्वल टू होगा आपका एच स्क्वायर की, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया है। और एक और है लास्ट थर्ड नंबर पर, वो आपकी एच प्लस ए अपॉन एच माइनस ए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एच प्लस बी अपॉन एच माइनस बी, ये होता है इक्वल टू टू। देखिए प्रूफ आप 12th क्लास में पढ़ चुके होंगे, तो प्रूफ पढ़ने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ये बात आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी चाहिए, डायरेक्ट ही ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा टाइम करना जाएगा जब हम जो सॉल्व करने बैठेंगे। इसकी वैल्यू होती है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, इसकी वैल्यू होती है आपके एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है टू। तो चलो इसे रफ करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे अब। तो बच्चों आपको दो नंबर दिए होंगे, एक नंबर होगा आपका ए और दूसरा नंबर है बी, ठीक है। इनके बीच का जो इसका ए बी का ए एम है यानी अर्थमेटिक मीन है, वो है आप मान सकते हैं ए मान लीजिए, और जो इसका आपका जियोमेट्रिक मीन है उसे आप जी मान लीजिए, और हार्मोनिक मीन है उसे आप एच मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, जो पहला रिलेशन चलता है उसमें, तो जो आपका ए एम होगा यानी ए जो होगा वो बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जी के, और जी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच के, ठीक है। तो ये कंडीशन हम ध्यान रखेंगे, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा ज्योमेट्रिक मीन होता है, सबसे छोटा आपका हार्मोनिक मीन होता है। एक जो सेकंड रिलेशन चलता है इसमें वो ये होता है कि जो आपके जी का स्क्वायर होगा वो ए इंटू एच के इक्वल होगा, यानी अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के इक्वल होगा, यानी ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। तो ये दो रिलेशन होगा इसमें। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन ही कराऊंगा, इसके बाद आपका एच पी भी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, अब क्वेश्चन बचेंगे बस। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया फाइंड दी सेवंथ टर्म ऑफ सीरीज, आपको सीरीज दे रही, इसका आपको सेवंथ टर्म फाइंड करना है। तो देखिए आप तो एपी वाला मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपने पढ़ रखा है टी फिर टी एन माइनस वन करके निकालते हैं, वो तरीका काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस सवाल के लिए देखते हुए। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, आप देखिए इसका डिफरेंस कितना है, जीरो थ्री का बीच का डिफरेंस कितना है थ्री का, थ्री और एट के बीच का डिफरेंस कितना है फाइव का, एट और फिफ्टीन के बीच का डिफरेंस कितना है देखिए सेवन का, और फाइव एंड फिफ्टीन एंड ट्वेंटी फोर का डिफरेंस है नाइन, यानी जो इनका डिफरेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है ऑड नंबर चल रहा है, और ऑड नंबर बढ़ता जा रहा है, क्या है थ्री हुआ फाइव हुआ सेवन हुआ नाइन हुआ, अगले का डिफरेंस क्या होगा इलेवन, तो वो इलेवन जो आप चौबीस में ऐड कर देंगे तो अगला नंबर आपको क्या मिलेगा सीरीज का, देखिए कितना जाएगा थर्टी फाइव, यहाँ पर डिफरेंस मिला आपको इलेवन, अगला क्या मिलेगा आपको थर्टीन, तो थर्टीन जो मिलेगा उसे पैंतीस में ऐड कर दीजिए तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा फोर्टी एट, वहाँ पर सेवन टर्म पूछे हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवन टर्म क्या हो गया आपका फोर्टी एट, अगर आप इसमें एपी वाला मेथड लगाते जो आप बोर्ड में करते आ रहे हैं तो पाँच मिनट खराब करते सवाल बनने में, तो जाके सात मैटर फाइंड करता तो थोड़ा दिमाग भी चला लेना है अलग तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो सीरीज पता करनी कौन सी सीरीज है, सीरीज देखिए, अब सीरीज आपको देख के कुछ अंदाजा लग नहीं रहा होगा, लेकिन जब भी आपको इस तरीके से सीरीज मिल जाए कि उसके बाद पॉइंट के बाद नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट एक नंबर था, यहाँ पर दो होगा, यहाँ पर तीन होगा, इस तरीके से, तो वो अधिक होगा आपकी ज़्यादातर कंडीशन में जीपी ही मिलेगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009 डेड डेस करके सीरीज चल रही है आपकी, तो इसमें आपसे पूछा है कि इक्वल टू किससे होगी, तो देखिए सीरीज आप देखकर पता सकते हैं अनंत तक जा रही है, लेकिन ये सीरीज तो पता चले कि ए पी है जी पी है कि एच पी है क्या है ये। तो देखिए जब भी ऐसी सीरीज मिले आपको कि पॉइंट के बाद एक डिजिट हो रहा है, उसका एक डिजिट और बढ़ जाए, दो डिजिट के बाद पॉइंट, फिर थ्री डिजिट के बाद पॉइंट, ऐसा अगला फोर डिजिट के बाद मिलेगा, यानी पॉइंट के अगर लगातार नंबर जो लगातार छोटा होता जा रहा है यानी पॉइंट के बाद, अब ऐसी कंडीशन में आपको जो हमेशा सीरीज ध्यान रखनी वो जी पी ही होगी। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि जी पी है, तो पहले हम जी पी पे ही चेक करेंगे, तो जी पी की कंडीशन क्या होती है टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू टी थ्री अपॉन टी टू, तो चेक कर लेते हैं, तो टी टू आपका 0.09 अपॉन ये कितना आपका 0.9, आगे चलिए टी थ्री आपका 0.09 अगला है टी टू आपके पास 0.09
09। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट आपका पहुँच जाएगा यहाँ पर। 9 से डिवाइड करेंगे इसे तो आपको मिलेगा ऊपर 0.1। यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ तो पूरा पहुँच जाएगा, यहाँ पर दो डिजिट के बाद। फिर 9 से भाग देंगे फिर आपको मिलेगा 0.1, यानी इक्वल, यानी ये जीपी ही है। और कौन सी? इन्फिनाइट टर्म की जीपी। और इन्फिनाइट टर्म की जीपी का आपने सम पढ़ा था, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, यही तो था। और ए इसका आपका कितना है? 0.9, यही है। अपॉन आपका बन कितना है? 1 तो बन ही रहेगा। आर कितना है अभी निकाल, यही तो आर होता है। माइनस का 0.1 तो इक्वल टू 0.9 अपॉन 0.9, डिवाइड कर देंगे आपको मिल जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। इसे रब करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन आपके पास कह रहा है एन माइनस 3, 4n प्लस 2, 5n प्लस 1 आ रहे हैं एपी में, तो एपी में तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने रिलेशन पढ़ा था, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे सी मान लें, तो बी इक्वल टू होता है ए प्लस सी अपॉन 2, या 2 बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो सॉल्व करते हैं, चलो इसे 2 को इधर ले आते हैं हम, बी के साथ में रख दीजिए जहाँ जहाँ जिसकी वैल्यू है। तो बी बराबर है आपका 4n माइनस 2, ए कितना है आपका n प्लस 3, और ये है आपका 5n प्लस 1। तो देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, 2 को अंदर भेजेंगे तो हो जाएगा आपके पास 8n माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 6n प्लस का 4। तो ये 6n इधर आएगा, 4n उधर जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा? 2n इक्वल टू 8, और n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। तो रफ करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो बच्चे कुछ क्वेश्चन दिए आपके सामने, आइए ना सॉल्व करते हैं। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो देखिए कह रहा है आपसे एक्स वाई जेड जो है जीपी में, तो आपको पहला ऑप्शन दिया है log 3x कॉमा log 3y log 3y आर इन एपी, और सेकंड है एक्स वाई जेड प्लस log x एक्स वाई जेड प्लस log y एक्स वाई जेड प्लस log z आर इन एचपी। तो देखिए आप लोगों को कंडीशन बताई थी मैंने कि अगर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जो होते हैं अगर आपके जीपी में होते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका इसका log x log y और जो log z होगा, यहाँ पे एलएन भी बोल सकते हैं, वो किसमें होगा? आपका एपी में होगा। कल बताया था जब मैं आपको कल मैं आपको जीपी पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अगली कंडीशन एच इसका उल्टा भी सत्य होता है कि अगर कहता log x log y log z आर इन जीपी, तो जो एक्स वाई जेड होंगे वो किसमें होंगे? आपके एपी में होंगे। तो दोनों बात होती है, एक जीपी में होगा तो दूसरा एचपी में, दूसरा एपी में होगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला कंडीशन तो आ गया। मैंने इसमें क्या करा, दोनों में अभी एपी बन गया, अब इसमें अगर log 3x ऐड कर दूं, इसमें भी मैं कर दूं log 3 प्लस log x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपको log 3 प्लस log y हो जाएगा, ऐसे ही आपका log कॉमा log 3 प्लस log z हो जाएगा। तो log की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा log, तो ये भी तो रहेगा एपी में ही ना। मैंने आपको एपी अलग कंडीशन से पढ़ाया था, एपी का वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि अगर एपी में किसी नंबर को पूरी सीरीज में अगर ऐड किया जाए तो एपी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो एपी की एपी ही रहती है। यानी ये हो जाएगा आपका log 3x हो जाएगा log 3y और ये हो जाएगा आपका log 3z, ये किसमें हो जाएगा? एपी में ही रहने वाला, यानी फर्स्ट वाला तो आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाले बात करते हैं एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो, एक्स log x log y log z आपस में थे एपी में, तो log hp में क्या होगा? 1 अपॉन log x 1 अपॉन log y 1 अपॉन log z तो एपी में होगा। लेकिन ये कह रहा है x y z की तो बात की बात है, बाद में ऐड कर लेंगे, लेकिन हम पहले इस पे देखते हैं log x log y log z, तो ये तो एपी में और ये कह रहा है hp में, तो ये अलग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहां पर। तो इसमें से देखिए कौन सा वाला ओनली वन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ, चलो इसे बाद में करेंगे, पहले इस साइड वाले सॉल्व कर लेते हैं, उसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा तो उसके लिए जगह चाहिए बोर्ड पर, इन दो को सॉल्व करा देता हूं पहले मैं आपको। देखिए ये वाले जो तीन क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसी बार के एंडिंग पूछ रहे हैं 222 में, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाई बाय सम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्ट सीक्वेंस इज इन जीपी। तो कह रहा है कि किसी जीपी के ईच टर्म है, उसकी जितनी भी टर्म्स है सब में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको वो क्या जीपी में होगा। तो मैंने कंडीशन आपको लिखाई थी कि जीपी में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराएं, डिवाइड कराएं, जीपी का स्क्वायर करें, जीपी को वन अपॉन में लिख दें, तब भी क्या रहती है, वो जीपी रहती है। तो यहाँ पर क्या करा रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, पहला वाला इसका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि इफ ईच टर्म आर जीपी इज डिवाइड बाय सम नॉन जीरो नंबर, वही कंडीशन डिवाइड कर दिया जाएगी तो तभी जीपी ना, मैंने आपको बता रखा है इससे पिछले लेक्चर में, तो सेकंड कंडीशन ये भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। यानी इसमें कौन सा वाला ऑप्शन नंबर जो आपका डी है बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ये n1 एंड 2 मतलब नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा। अगला वाला कह रहा है p स्क्वायर q स्क्वायर एंड r स्क्वायर एंड gp द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो इनमें से आप बता रहा क्या है, p स्क्वायर एंड r स्क्वायर आपकी किसमें है, gp में चलना। ठीक है, तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो जीपी में रहती है वो सीरीज, जीपी में कंडीशन रहती है कि अगर ए बी सी तीन नंबर है, अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या रहेगी हमारी,
जी बी रहेगी, तो देखिए यहाँ पर क्या रहा है स्क्वायर करा, हम क्या करना है उसी हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 से कर देते हैं पावर इसकी, तो क्या हो जाएगा पी क्यू आर, किसमें रहेगा आपका आर इन जी बी। देखिए पहला वाला तो यही कह रहा है पी क्यू आर इन जी बी, सही बात है। अगला लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर, यानी लॉग पी लॉग क्यू लॉग आर आर एन ए पी, तो अभी बताया था आपको इससे पहले भी लेक्चर बता चुका हूँ कि अगर पी क्यू आर जी पी में है तो उनका लॉग में जो फंक्शन होगा वो किसमें होगा ए पी में होगा, अगर पी क्यू आर फंक्शन जो लॉग में ए पी में है तो पी क्यू आर इसमें होगा जी पी में होगा, तो उल्टा भी क्या होता है करेक्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला करेक्ट है, वोट वन एंड टू। आइए सर आप पढ़ते फिर आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2c + 2a =
टू बी प्लस सी प्लस ए, तो c प्लस ए इधर आएगा तो आपको मिलेगा टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, फिर से मिल गया वही वाला रिपीट। इसका मतलब फर्स्ट वाला करेक्ट है, ए बी सी आ रही ए पी, जब ए बी सी आ रही है ए पी में होंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर टू बी इक्वल टू ए प्लस सी वाला कंडीशन। लास्ट दे दिया, अब देख रहे हैं आपसे ए पी में तो जीपी का जब स्क्वायर करते हैं तो वो जीपी में मिलता है ना, इसका मतलब ए बी सी कॉमा सी ए कॉमा ए प्लस बी आपको किसमें होने चाहिए थे, जीपी में होने चाहिए तभी तो इसका स्क्वायर जीपी मिलता है। लेकिन हमारे पास क्या कह रहा है बी प्लस सी सी प्लस ए प्लस बी किसमें एपी में, यानी ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर वन यानी ओनली वन वाला करेक्ट है, बाकी आपके दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है दी थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज थ्री, व्हाट इज दी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स। चलो रेफर के साथ बच्चों करते हैं, देखिए थर्ड टर्म ऑफ जीपी और जीपी का थर्ड टर्म यानी जीपी क्या होता है एन टू आर की पावर थ्री माइनस वन यानी आर इसका रेट होता है। तो आपसे फर्स्ट फाइव टर्म का प्रोडक्ट पूछा है, यानी कि आपसे पूछा गया है टी वन इंटू टी टू इंटू टी थ्री इंटू टी फोर इंटू टी फाइव ये पूछा है आपसे, और यहाँ पर थ्री दिया है तो सॉल्व करेंगे टी वन कितना होता है ए, टी टू कितना होता है ए आर, टी थ्री कितना होता है ए आर स्क्वायर, टी फोर कितना होगा ए आर क्यूब, टी फाइव कितना होगा ए आर की पावर फोर। तो देखिए एक मल्टीप्लाई फाइव बार पांच बार हुई तो हो जाएगा एक पावर फाइव, और यहाँ पर ऐड कर लेंगे वन टू थ्री 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 सिक्स फोर टेन यानी आर पावर टेन, और इसमें ले सकते हैं ए आर स्क्वायर का होल पावर फाइव, और ए आर के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है रखिए आपको थ्री यानी थ्री की पावर फाइव जो होता है आपका थ्री फोर थ्री, ठीक है 340 यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट आर एन ए बी देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एट आर एन ए पी, जब ए पी में है तो वही कंडीशन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी ए होगा, तो बी वाला टर्म है आपका टू एक्स, ए है आपका एक्स स्क्वायर और सी आपका माइनस का एट, तो टू एक्स को उधर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। क्या बन गई ये बन गई पार्ट एक्स के लिए, सॉल्व करते हैं देखो समीकरण बन गई से सॉल्व करेंगे तो आठ के ऐसे फैक्टर बने आपको जिनका जोड़ना कितना मिले आपको जिनका माइनस घटाना आपको मिले टू, तो शुरू हो जाओ जल्दी से ऐसे लेंगे माइनस का फोर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का फोर एक्स प्लस का टू एक्स माइनस का एट इक्वल टू जीरो, देखिए एक्स कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस फोर प्लस का टू कॉमन लेंगे यहाँ पर एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक मिला आपको एक्स माइनस फोर और एक मिला एक्स प्लस टू, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ से निकलेगी एक्स की वैल्यू फोर एक्स की दर से निकलेगी एक्स की वैल्यू माइनस का टू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मिला एक्स बिलोंग कर रहा है आपका अभी तक तो बिलोंग कर रहा है आपका ये फोर कॉमन माइनस फोर, तो एक बार यहाँ पर सेटिस्फाइड भी करा लेंगे तो जब एक्स बराबर फोर होगा तो कंडीशन क्या होने वाली है यहाँ पर फोर का स्क्वायर कितना होने वाला है सिक्सटीन, फिर यहाँ पर आप देखिए एक्स की वैल्यू कितनी फोर यानी फोर और माइनस का एट, तो कॉमन देखना है देखिए इसका ट्वेल्व आ रहा है और इसका आपको मिलेगा माइनस का ट्वेल्व इसका सही माइनस में जा रहा है वाला तो फोर वाला कनेक्ट करके माइनस का टू भी देख लीजिए एक बार, तो माइनस का टू आप इसमें रखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर फोर फिर मिलेगा आपको माइनस का टू और फिर मिलेगा माइनस का एट यानी ये वाला ऑप्शन आपका ये वाला दोनों दोनों करेक्ट है, तो माइनस का फोर कॉमन टू यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें।